वेलकम दोस्तों, आज हम लोग स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट CMA फाइनल लर्निंग कर्व का इलस्ट्रेशंस देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, और सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, इससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी और मेरा भी मोटिवेशन बनता रहेगा टू मेक फर्दर मोर वीडियोज़। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन वन। सो बेसिकली लर्निंग कर्व है क्या? ये ऐसा ही है जैसा मान लीजिए कि अगर आप एक बुक पहली बार पढ़ रहे हैं, CMA का फाइनल का बुक आया आपका और आप फर्स्ट टाइम उसको रीड कर रहे हैं। सो फर्स्ट टाइम आपको वो रीड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट वही जब आप सेकेंड टाइम रीड करेंगे तो फर्स्ट टाइम से थोड़ा कम टाइम लगेगा, और जब थर्ड टाइम करेंगे तो सेकेंड टाइम से भी कम टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग बोला जाता है कि पहले पढ़ लेना चाहिए और एग्जाम से पहले रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि रिवाइज करने में कम टाइम लगता है। लर्निंग कर्व मॉडल इज वाई इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर बी। ठीक है, सो ये लर्निंग कर्व का जनरल मॉडल है। यहाँ पर वाई जो है एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर एक्स यूनिट्स, ए इज टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, एक्स इज द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स, बी इज द लर्निंग कोफिशियंट इक्वल टू लॉग 0.8 बाय लॉग 2 इक्वल्स टू माइनस 0.322 फॉर अ लर्निंग रेट ऑफ 80%। ए गिवन इज 10 आवर्स, लर्निंग रेट 80%, वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज टाइम फॉर 20 यूनिट्स। जनरल फार्मूला गिवन इज वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर बी। यहाँ पर हमारे पास ए कितना है 10 आवर्स और एक्स है 20 यूनिट्स। टू द पावर बी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, दैट इज माइनस 0.322। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हमारा क्या आएगा, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग 10, या मल्टीप्लीकेशन है मीन्स प्लस हो जाएगा, लॉग 20 टू द पावर माइनस 0.322। फर्दर अहेड लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, प्लस नहीं, यहाँ पे जो ये वैल्यू पावर में है ये सामने आ जाएगा, सो माइनस 0.322 इंटू लॉग 20। अब सी गाइस, बुक में हमारे पास लॉग 20 का तो वैल्यू नहीं है बट लॉग 2 का वैल्यू है। सो लॉग 2 का वैल्यू 0.301 है, सो लॉग 20 के लिए हम लोग इसमें प्लस 1 कर देंगे, सो वैल्यू क्या आएगा 1.301। हेंस 1 माइनस 0.322 लॉग 20 का वैल्यू है 1.3010। इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो हमारा आ जाएगा लॉग वाई इक्वल्स टू 0.5811। हेंस वाई इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.5811 इक्वल्स टू 3.812 आवर्स। बुक में हमारा एंटी लॉग 0.5811 का वैल्यू दिया हुआ है। सो टोटल टाइम इक्वल्स टू 3.812 इंटू 20, सो टोटल आवर्स हम लोग के पास है 76.24 आवर्स। नेक्स्ट में 30 यूनिट्स के लिए टाइम फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस रहेगा, जस्ट यहाँ पे जो हम लोग का 20 यूनिट्स के लिए था वो 30 यूनिट्स के लिए हो जाएगा। सो लॉग 10 इक्वल्स टू 1 या माइनस 0.322 सामने आ जाएगा, इंटू लॉग 30, सो 1 माइनस 0.322 लॉग 30 में सेम हम लोग जैसे 20 के लिए किए थे वही करेंगे। सी लॉग 3 का वैल्यू गिवन है, उसमें प्लस 1 कर देंगे तो हमारा लॉग 30 का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 1.4771। इसका वैल्यू निकल कर आएगा लॉग वाई, तो लॉग वाई इक्वल्स टू 0.5244। देयरफॉर वाई इक्वल्स टू एंटी लॉग हो जाएगा यहाँ पर आने से, एंटी लॉग 0.5244, दैट इज इक्वल्स टू एंटी लॉग वैल्यू इसका दिया हुआ है बुक में
3.345, तो ये एक यूनिट के लिए है। देखो फॉर 30 यूनिट्स कितना हो जाएगा, 3.345 इंटू 30 इक्वल्स टू 100.35 आवर्स। फाइंड आउट द टाइम फॉर 31 to 40 यूनिट्स, तो कितना टाइम लगेगा टू प्रोड्यूस 31 to 40 यूनिट्स। सबसे पहले हम लोग 40 यूनिट्स के लिए टाइम निकाल लेंगे कि 40 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। सेम मेथड यूज करेंगे, जस्ट 30 की जगह 40 पुट कर देंगे और वैल्यू भी वैसे बैठाते जाएंगे। वंस वी गेट टोटल टाइम फॉर 40 यूनिट्स, दैट इज 121.96 आवर्स, देन हम लोग के पास 40 यूनिट्स का टाइम आ गया, 30 यूनिट्स का टाइम है। सो 30 माइनस 40 करेंगे तो हमारा जो 31 से लेके 40 यूनिट्स का टाइम लग रहा है वो हमारा आ जाएगा सी 121.96 माइनस ये वाला 100.35 यूनिट्स को लेस करने से हमारा आंसर आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 2 बोल रहा है कि लर्निंग कर्व जो है आजकल वो बहुत ही एक्सेप्टेड टूल माना जा रहा है एंड वही है। सो मेन फंडा इस क्वेश्चन का ये है टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ लर्निंग कर्व फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड एवरेज यूनिट्स कॉस्ट ऑफ मेकिंग। सो एक्सपेक्टेड एवरेज यूनिट्स कॉस्ट ऑफ मेकिंग हम लोग को फाइंड आउट करना है फॉर 4 मशीन्स एंड फॉर 8 मशीन्स। सो यहाँ पे एक ट्रिक है गाइज, जहाँ पर भी आपको इवन नंबर यूनिट्स दिख रहा हो ऐसे सब में, वहाँ पर हम लोग टेबल मेथड यूज करेंगे। टेबल मेथड क्या होता है वो आगे सॉल्व करते वक्त पता चलेगा। तो सी यूजिंग द डाटा बिलो, डाटा क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर नीड टू मेक द फर्स्ट मशीन इज 1000 आवर्स, लर्निंग कर्व 90%, मतलब अगर आप जैसे रिपीट करते जाओगे तो आपका 90% मतलब एफिशिएंसी लगेगा, मतलब फर्स्ट टाइम अगर 100% लगा तो उससे थोड़ा कम टाइम आपको 90% टाइम में आपका हो जाएगा। देन लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 15 पर आवर, मटेरियल 150,000, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर ईदर साइज ऑर्डर, मतलब ऑर्डर साइज जो भी रहे आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा 60,000। ओके सी स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 मशीन्स एंड 8 मशीन्स। तो गाइज ये हमारा टेबल मेथड है, यहाँ हम लोग को 4 मशीन्स और 8 मशीन्स के लिए निकालना है जो कि एक इवन नंबर है, तो वहाँ पे इस मेथड से हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है वो सिंगल मशीन के लिए दिया हुआ है, दैट इज अगर हम लोग 1 मशीन यूज कर रहे हैं तो हमारा एवरेज टाइम लगेगा 1000 आवर्स, लेबर कॉस्ट 15,000, मटेरियल कॉस्ट हमारा 150,000, फिक्स्ड कॉस्ट तो 60 ही रहेगा 60,000, एंड टोटल हमारा ऐड करके आएगा 225,000। नाउ गाइस ये 1 के लिए था, लेबर कॉस्ट हम लोग कैसे निकाले, हमारा लेबर कॉस्ट रुपीज 15 पर आवर है और टोटल आवर हमारा 1000 है, सो 1000 इंटू 15 सो 15,000। अब अगर हम लोग दो मशीन से बना रहे हैं तो हमारा जो एवरेज टाइम है वो 100% के लिए, सो 1000 90% के लिए कितना होगा 900। लेबर कॉस्ट जो है हमारा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, हमारा लेबर कॉस्ट जो है वो 15,000 पर है, ये 100 के लिए था तो 90% के लिए सॉरी 15,000 इंटू 90%, सो वी हैव 13,500। मटेरियल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगा, वैल्यू ऐड कर लेंगे। देन हम लोग 2 मशीन्स का ये है तो ये इवन नंबर में जा रहा है तो इसका हम लोग फिर डबल करेंगे, दैट इज 4। जब 4 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा 900 का भी 90% लेंगे तो 800 आएगा। लेबर कॉस्ट 13,500 है, 13,500 इसका भी 90% हो जाएगा फिर से 12,150। मटेरियल सेम रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा, ऐड कर लेंगे तो 4 मशीन्स का हमारा ये आ गया। और हमारा नेक्स्ट 8 मशीन्स के लिए 4 × 2 हमारा 8 होता है, इवन नंबर में ही आगे बढ़ रहे हैं, ये टेबल मेथड हुआ हमारा, और 810 हमारा एवरेज टाइम है, सो 810 इंटू 90% 729, तो 729 हमारा टाइम लगेगा जब हम 8 मशीन से करेंगे। देन लेबर कॉस्ट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, लेबर कॉस्ट 12,150 है, 12,150 इंटू 90% इसका भी 90% हो जाएगा, दैट इज 10935। मटेरियल सेम है, फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, टोटल अमाउंट निकाल लेंगे, हेंस हमारा जो आंसर आएगा सी गाइस टोटल इतना इतना आएगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 मशीन विल बी
177150 एंड फॉर 8 मशीन विल बी 168435। जेपीएलसी एक्सपीरियंस ये कंपनी है जो कि डिफिकल्टी फेस कर रही है इन बजटिंग प्रोसेस, तो वो चाहती है कि वो लर्निंग इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करे। नाउ एक ऑर्डर है 30 यूनिट्स का ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसको 30 यूनिट्स बनाना है जिसमें से वो 14 यूनिट्स बना चुका है। द फर्स्ट यूनिट मतलब ये 14 यूनिट जो है रिक्वायर्ड 40 डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड अ टोटल ऑफ 240 डायरेक्ट लेबर हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर द 14 यूनिट्स, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर एक्सपेक्ट 80% लर्निंग इफेक्ट फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। सो हमारा लर्निंग इफेक्ट कितना 80% है। स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही है कंपनी। डायरेक्ट कॉस्ट एट्रिब्यूटेड टू द सेंटर इन विच द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग, तो कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट कॉस्ट इतना है, लेबर डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है। देर आर 10 डायरेक्ट एम्प्लॉयज वर्किंग 5 डे 8 आवर्स पर डे, आउट ऑफ विच 20% जो है वो अलाउंस गिवन है फॉर डाउन टाइम। कंपनी यूजली कोट्स 4 वीक डिलीवरी पीरियड, मतलब 4 वीक में वो प्रोडक्ट बना के डिलीवरी कर देगी। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द अजम्पशन ऑफ 80% लर्निंग इफेक्ट इज रीजनेबल वन इन दिस केस, ठीक है। स्टैंडर्ड फार्मूला वही है, वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। सो लेट्स सॉल्व, ऐसे ही पहले वाले सम के जैसे ही है। सी गाइस, वाई इक्वल्स टू ए बी टू द पावर एक्स, ए का वैल्यू बिठा देंगे, 40 यूनिट्स हम लोग को प्रोड्यूस करना है, आउट ऑफ विच फर्स्ट 14 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गया है, और एक्स का वैल्यू -0.322, तो वैल्यू बिठाकर वैसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 240 आवर्स आ जाएगा। सी इन दिस केस आपको लॉग का वैल्यू गिवन नहीं है, सो सी गाइस हाउ टू फाइंड आउट लॉग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर लॉग 5 का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर में हम लोग 5 टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को रूट अंडर कर देंगे 15 टाइम्स, ठीक है। 15 टाइम्स रूट अंडर करने के बाद जो वैल्यू हमारा आएगा उसको हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो वैल्यू हमारा आएगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 0.00007021, ठीक है। इससे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा लॉग का वैल्यू रहेगा। एंड फॉर एंटी लॉग हमारा ये प्रोसेस है। एंटी लॉग के केस में हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग 2 का एंटी लॉग कर रहे हैं तो हम लोग को पहले लॉग 2 का वैल्यू निकालना होगा। लॉग 2 का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 227695 से। उसके बाद उस वैल्यू को जो आएगा हमारा डिवाइड करने के बाद उसको हम लोग 1 से प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद का स्टेप क्या है, हम लोग मल्टीप्लाई प्रेस करके इक्वल साइन प्रेस करेंगे। ये प्रोसेस को हम लोग 19 टाइम्स रिपीट करेंगे, हमारा जो वैल्यू आएगा 19 टाइम्स में वो हमारा एंटी लॉग का वैल्यू होगा। सो इसी हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा 239.96 इक्वल्स टू 240 आवर्स। तो बुक में हमारा ऐसा 240 डायरेक्ट लेबर आवर रिकॉर्ड किया था फॉर 40 यूनिट्स, सो इट इज़ ट्रू दैट लर्निंग रेशियो इज 80% इफेक्टिव हैंस। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेक्टेड सेकेंड ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स। सो अगर लाइकली एक्सपेक्टेड अगर सेकेंड ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स आया तो नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स जो रिक्वायर होगा। सो सी गाइस, 30 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा, बिकॉज हमारा पहला जो है वो 40 यूनिट्स के लिए क्वेश्चन में नहीं, हमारा ऑर्डर जो है वो 30 यूनिट्स के लिए, ठीक है। सो 30 यूनिट्स के लिए हम लोग को टोटल टाइम कितना लग रहा है, वैल्यू में डाल के हम लोग इतना आवर्स निकाले हैं, एवरेज आवर जो हमारा लग रहा है, ठीक है। तो 50 यूनिट्स के लिए क्या होगा, हम लोग वैल्यू 50 एंटर कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा इतना आवर्स। सो 30 के लिए इतना आवर लग रहा है और 50 यूनिट्स के लिए इतना आवर लगेगा, हैंस 20 के लिए कितना लगेगा, ये तो नेक्स्ट 20 हुआ ना, हमारा पहला 30 यूनिट्स ऑर्डर हुआ है, तो अगर नेक्स्ट 20 हमारा ऑर्डर आता है मतलब 50 यूनिट्स टोटल हो गया, इसीलिए हम लोग 30 पहले निकाले देन 50 से अमाउंट लेस कर दिए। सो टाइम टेकन फ्रॉम 31 टू 50 यूनिट्स इज दिस मच आवर। हम लोग डायरेक्टली 20 से नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा ये नेक्स्ट 31 टू 50 ऑर्डर्स के बीच है, तो लर्निंग इफेक्ट भी उस हिसाब से हमारा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, यूज द कॉस्ट डेटा गिवन टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर द इनिशियल ऑर्डर, एग्जामिन द प्रॉब्लम विच मे बी क्रिएटेड फॉर बजटिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ लर्निंग इफेक्ट। ओके, सो हम लोग को एस्टिमेटेड प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना होगा फॉर इनिशियल ऑर्डर। इनिशियल ऑर्डर हमारा 30 यूनिट्स के लिए था, तो सबसे पहले हमारे पास मैन आवर्स कितना है, हम लोग को सी 10 एम्प्लॉयज है, 5 डे काम कर रहे हैं, 8 आवर्स पर डे, 5 वीक 8 आवर्स, तो टोटल हमारा कितना आएगा,
10 × 5 × 8 hours 400, ठीक है, ये हमारा 4 week का है, इंटू 4 तो टोटल 1600 hours है। सी आ गया, या 1600 hours है, इसमें से हम लोग को डाउन टाइम अलाउंस दिया हुआ है 25%, तो 1600 का 25%, 1600 का 25% 400। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द डाउन टाइम आवर्स वी हैव टोटल इफेक्टिव आवर्स ऑफ 1200। सो फिक्स्ड कॉस्ट पर आवर कितना हो जाएगा, हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 6000 दिया है, तो 6000 डिवाइडेड बाय 1200 हमारा हो जाएगा ₹5। नाउ कंपटीशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर इनिशियल ऑर्डर, इनिशियल ऑर्डर कितना था 30 का, तो मटेरियल कॉस्ट हमारा 30 गिवन है, तो 30 × 30 यूनिट्स 900, लेबर कॉस्ट हमारा 401.4 ये हमारा आवर्स है, सी फॉर 30 यूनिट्स इंटू लेबर रेट 6, वेरिएबल ओवरहेड हमारा 0.5 इंटू आवर्स 30 यूनिट्स के लिए, ओवरहेड का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग निकाल चुके हैं 5 इंटू वही सेम आवर्स, तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा, तो सबको ऐड करके हमारा वैल्यू जो आ रहा है 5516.1, ये हमारा इनिशियल ऑर्डर का टोटल कॉस्ट है। क्वेश्चन 4, अ फर्म रिसीव्ड एन ऑर्डर टू मेक एंड सप्लाई 8 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट विच इन्वॉल्व्स इंट्रिकेट लेबर ऑपरेशंस, फर्स्ट यूनिट वॉज मेड इन 10 आवर्स और 80% का लर्निंग रेट है, द वर्कर्स आर गेटिंग वेज रेट ऑफ ₹12 पर आवर, वट इज द टोटल टाइम एंड लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द अबव ऑर्डर, ठीक है, सो हमारा अबव ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम और कॉस्ट लगेगा। सी सप्लाई 8 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, एक यूनिट बनाने में 10 आवर्स लग रहा है, तो 8 यूनिट्स का हम लोग को निकालना है, सो सी यहाँ पर भी गाइज 8 जो हमारा अमाउंट है ये एक इवन नंबर है, सो इवन नंबर के लिए हम लोग टेबल मेथड यूज करेंगे, सो पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, 80% लर्निंग कर्व हमारा गिवन है, सो फॉर प्रोडक्ट 1 क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम जो हमारा आया था 10 आवर्स में एक यूनिट बना, ठीक है, टोटल टाइम हमारा 10 आवर्स ही लगा। नेक्स्ट अगर 1 के लिए है तो 2 के लिए कितना रहेगा, बिकॉज हम लोग इवन मेथड से टेबल बना रहे हैं, सो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सो 1 मल्टीप्लाई इंटू बाय 2 वी गेट 2, तो 2 के लिए हमारा कितना टाइम लगेगा, हमारा लर्निंग रेट 80% है, सो 10 सी 10 इसका 80% हमारा 8 है, सी 8 तो 8 आवर्स लगा, 8 आवर्स कितने को लग रहा है एक यूनिट प्रोड्यूस करने में, प्रोड्यूस कितना हो रहा है 2, तो 2 × 8 = 16। नेक्स्ट टेबल नेक्स्ट में क्या होगा 4 कैसे आया, हम लोग टेबल मेथड यूज कर रहे हैं इवन नंबर का, सो फिर से हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, तो हमारा आ जाएगा 4। नेक्स्ट 4 के लिए हमारा टाइम कितना लगेगा, 8 लगा था 2 के लिए, तो 8 का हमारा लर्निंग इफेक्ट 80% जोड़ देते हैं, सी 8 का 80% 6.4 आवर्स लग रहा है, 6.4 आवर्स में एक यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो 4 प्रोडक्ट में कितना होगा टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट 4 × 2 करेंगे 8 यूनिट प्रोड्यूस होगा, 8 यूनिट का के लिए हमारा टाइम कितना लगेगा पर यूनिट, 4 के लिए 6.4 था, तो 6.4 × 80% अगेन 5.12 आएगा, देन 5.12 एक यूनिट के लिए, तो 8 यूनिट्स के लिए कितना 8 × 5.12 इतना वैल्यू आएगा, तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया टोटल टाइम जो है वो 440.96 आवर्स लग रहा है, तो कॉस्ट कितना लगेगा, सी लेबर टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 8 यूनिट्स वाज 40.96 आवर्स, लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर 8 यूनिट्स विल बी 40.96 आवर इंटू 12 ₹12 पर आवर, क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा वेजेस रेटेड 12 पर आवर, सो हमारा टोटल लेबर कॉस्ट कितना है ₹491.52। नाउ क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, इफ अ रिपीट ऑर्डर ऑफ 24 यूनिट इज ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम द सेम कस्टमर व्हाट इज द लेबर कॉस्ट नेसेसरी फॉर द सेकंड ऑर्डर, तो हमारा सेकंड ऑर्डर आ रहा है 24 यूनिट्स के लिए, मतलब हमारा पहला 8 ऑर्डर्स आ गया, इसके बाद हमारा 24, ठीक है, इसके नेक्स्ट बाद में, तो हम लोग फिर वही इवन मेथड से टेबल आगे बढ़ाते जाएंगे, सी 8 × 2 = 16 के लिए हमारा 8 के लिए 5.12 था, तो 5.12 का 80% लर्निंग इफेक्ट लगा दे तो 4.96 आवर्स लगेगा हमारा, इज प्रोड्यूस 1 यूनिट, तो 16 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 16 × दिस वी विल गेट दिस अमाउंट, अगेन 16 × 2 करेंगे तो 32 यूनिट्स, 32
यूनिट्स के लिए कितना, एक यूनिट के लिए आप कितना टाइम लगेगा, 4.096 इंटू 80%, तो इतना टाइम लगेगा हमारा एक यूनिट के लिए एट लेवल ऑफ प्रोडक्शन 32. सो 32 के लिए कितना, 32 इंटू दिस वी विल गेट दिस वैल्यू. नाउ हमारा पहला प्रोडक्शन हुआ 8 8. अब हमको नेक्स्ट कितना बनाना है, 24. तो हमारा टोटल यूनिट्स कितना है, 32. सो वी हैव रीच दैट लिमिट. देयरफॉर लेबर टाइम फॉर 32 यूनिट्स, टोटल हमारा 32 यूनिट्स है, तो लेबर टाइम इतना लग रहा है. तो फर्स्ट लेबर टाइम फॉर फर्स्ट 8 यूनिट्स हमारा इतना था और 32 के लिए इतना है, तो 8 माइनस 32 हमारा 24 यूनिट्स आ जाएगा. सो लेबर टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ 24 यूनिट्स विल बी दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस. द सेम लेबर कॉस्ट कितना लगेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे रेट, हमारा लेबर कॉस्ट आ जाएगा. सो वी हैव कम्प्लीटेड ऑल द क्वेश्चन ऑफ लर्निंग कर्व. गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बहुत मोटिवेशन मिलता है. थैंक यू, बाय बाय.